बागपत जनपद के बड़ौत तहसील परिसर में सर्वखाप की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बड़ौत में चल रहे किसानों के धरने में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर खाप चौधरियों सहित बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। वहीं इस महापंचायत में प्रशासन की ओर से एडीएम ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर खेद व्यक्त किया गया, साथ धरने के सामान को देने की बात कही, जिसके बाद महापंचायत खत्म कर दी गई। वहीं इस महापंचायत में देश खाप के चौधरियों ने ऐलान किया कि सभी किसान यहां से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होंगे। दरअसल बड़ौत में कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान धरने पर 27 जनवरी की रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर खत्म करा दिया था, जिसको लेकर सर्वखाप के चौधरियों ने बड़ौत तहसील परिसर में महापंचायत का आज ऐलान किया था, जिसमें थापा चौधरियों सहित बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, हम लोग भी खेती किसानी करके के ही आए हैं, इलाहाबाद पढ़ करके उसके बाद नौकरी में आए हैं, आप लोगों के साथ के ही हम लोग भी हैं। अगर जो आप लोग ये है कि सामान जो हमारा सामान अगर लेके जो गया हो गए हैं वो सामान भी जितना है, हम लोग चूंकि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था और हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोगों को से मतलब रिक्वेस्ट भी थी, बात भी की थी, सबको बुजुर्ग के जो भी आपके चौधरी हैं, जो भी बड़े हैं, उनको उसी सम्मान के साथ हम लोग हमेशा सम्मान देते रहे हैं और देते रहेंगे भी। और कोई भी जो सामान है हम लोग अगर वो जो गया होगा अगर पुलिस चौकी पे तो सामान जिसका भी होगा सब हम लोग वापस करवा देंगे। और जो रहा कि धरने के संबंध में कोई एफआईआर या कुछ भी तो कोई इस तरह से किसी का भी एफआईआर आप लोग क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी होती है सब ऑनलाइन होती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, किसी का भी कोई भी इस तरह का एफआईआर थाने में दर्ज नहीं है।